गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का रिवीजन कर रहे थे, और इस रिवीजन में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, और इस पे आधारित प्रश्न भी किए थे। साथ में हमने इसके लिए कि दो पूर्ण संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं, इन सभी चीजों को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को वहां तक क्लियर हो गया होगा। तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को पिछली क्लास क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर देंगे। वेरी गुड। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि शब्दों में कुछ चीजें लिखी रहेंगी और आपको उसे हल करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, उदाहरण के तौर पे, जैसे यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 और 189 के योग के बराबर हो। तो हम सिंपली अगर इसे ऐड कर देंगे, 455 और 189 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जो दोनों के जोड़ के बराबर होगी। तो 9 में 5 जोड़ेंगे, 14 का 4 हाथ में बचा 1, 8 5 13 और हाथ में 1 बचा था, 14 का 4 हाथ में बचा 1, 5 और 1 6। तो 644 वह संख्या हो गई, 644 वह संख्या हो गई जो 455 और 189 के योग के बराबर है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 644 जो है वह संख्या है जो 455 और 189 के योग के बराबर है। अगला एग्जाम्पल है कि यदि दो संख्याओं का योग, यानी कि न्यारी, माइक म्यूट कीजिएगा तब आवाज आएगा, माइक ऑन कीजिएगा तो आवाज नहीं आएगी। अगर फिर भी आवाज नहीं आ रही है तो क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। देखिए, कोई दो संख्या है, जैसे संख्या कोई एक ए है और एक बी है, इन दोनों को जोड़ा गया है तो कितना मान दिया गया है? दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 2578। यानी ए और बी का जोड़ कितना है? 2578। इसमें से एक संख्या, यानी कोई भी ए या बी, किसी का मान मान लेते हैं, ए का मान जो है दिया गया कितना? 1285। तो आपसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या यानी कि बी कितना होगा। तो अगर ए और बी इतना है और ए इतना है तो इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। तो 8 में से 5 गया 3, 17 में से 8 गया 9, 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 1 गया 1। यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई? बी कितना हो गया? 1293। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्योंकि दो संख्याओं का जोड़ दिया गया था 2578, उसमें से एक संख्या था 1285, दूसरी संख्या निकालना था तो हमने उसमें से माइनस कर दिया तो हमारी दूसरी संख्या आ गई 1293। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1293। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल और मजेदार है। यानी एक टोकरी है और उस टोकरी में जो है टोटल आम रखा गया है कितना? 350। तो आपको बताना है कि इसी तरीके के 11 टोकरी में कितने आम रखे गए होंगे। ठीक है, एक टोकरी में अगर 350 आम है तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे? तो हम 350 में क्या करेंगे? 11 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 11 टोकरी में कितने आम होंगे। सभी बच्चे गुणा करके आंसर बताइए कि 11 टोकरी में कितने आम होंगे। गुणा कीजिए और आंसर बताइए। वेरी गुड। तनीषा का, मनीष का, खुशी का, जितेंद्र का, हेमा का, वेरी गुड, पायल का, मुस्कान का, सभी का उत्तर सही है। देखिए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 053, यहाँ पे आएगा 053। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
पांच आठ और तीन, यानी 11 टोकरी में टोटल कितने आम होंगे, 3850। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलो, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरी में 3850 आम होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। टोटल 480 टॉफी है, ठीक है, और 12 बच्चों में इसे बांटना है बराबर बराबर, तो एक बच्चे को कितना टॉफी मिला होगा आपको बताना है, ठीक है। टोटल टॉफी जो है 480 है और 12 बच्चों में बांटना है, तो एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा, यानी प्रत्येक बच्चे को। तो हम इसमें क्या करेंगे, 12 से सिंपली भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा, जो कि सभी बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम्पल में दे दिया, 12 चौका 48, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 40। यानी प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा, 40 40 टॉफी जो है प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, एकदम आसान सवाल है। चलिए एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग जब पोल में मैं क्वेश्चन देता हूं तो जल्दबाजी में उत्तर गलत कर देते हैं, तो मैं आप लोगों से बस दो बातें बताना चाहता हूं कि आप भले ही उत्तर लास्ट में करो लेकिन सही करो, क्योंकि टीचर को ये नहीं पता चलता है कि कौन कौन बच्चा जल्दी उत्तर दिया है, लेकिन टीचर को ये जरूर पता चलता है कि कौन बच्चा सबसे ज्यादा सही किया है और सबसे ज्यादा गलत किया है। तो आप गलत करने की कोशिश मत करो, आप 10 सेकेंड ज्यादा ले लो लेकिन सही करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि जब ये रिपोर्ट भेजी जाती है आपके स्कूल में तो वहां पे टीचर क्या देखते हैं कि किस बच्चे ने सही किया है और किस बच्चे ने गलत किया है, टीचर ये कभी नहीं देखते हैं कि किस बच्चे ने जल्दी आंसर किया है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आराम से करें, जल्दबाजी में उत्तर गलत होता है तो धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए तो पोल से इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा कि 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाएगी तो प्रत्येक बच्चे को 40 40 टॉफियां मिलेगी। चलिए तो एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, सभी बच्चों को इसका उत्तर देना है, ध्यान से समझिएगा। कोई एक गोदाम है, गोदाम मतलब जहां पे अनाज रखा जाता है, और उस गोदाम में देखेंगे कि 1459 बोरी जो है वो चीनी का है, किसका है, चीनी का है, ठीक है, और 2364 बोरी जो है वो गेहूं का है, किसका है, गेहूं का है, ठीक है। तो आपको बताना है कि टोटल कितनी बोरी है गोदाम में, टोटल कितनी बोरी है। अगर 1459 बोरी चीनी का है और 2364 बोरी गेहूं का है तो टोटल कितनी बोरी है, समझ गए होंगे कि क्या करेंगे तो आंसर आएगा। तो सभी बच्चे आराम से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सभी बच्चे एकदम आराम से आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर 1459 बोरी चीनी का है और 2364 बोरी गेहूं का है तो टोटल कितना बोरी हुआ, यही तो आपको बताना है कि टोटल कितना बोरी हुआ। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड 10 9। कोयल माइक म्यूट कीजिए अपना। सर मेरा मिनट खत्म हो गया, चल नहीं रहा।
तो माइक म्यूट कीजिए अपना। सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। दो बच्चों का आंसर गलत है जो कि एकदम गलत नहीं होना चाहिए था। कितना सिंपल प्रश्न है कि अगर चीनी का बोरा 1459 है, गेहूं का बोरा 2364 है, तो टोटल कितना बोरा है, तो जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। 9 में 4 जोड़ेंगे 13 का 3, 6 5 6 11 और हाथ में 1 बचा तो 12 का 2, 7 1 8 2 1 3, तो 38 23। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल है, फिर भी दो बच्चों ने गलत किया था। जिन दो बच्चों का आंसर गलत हुआ था जल्दी से बताइए किनका किनका गलत था। जिन दो बच्चों का आंसर गलत था बताइए किनका किनका गलत था। जिनका गलत था वो बताएंगे। केवल जल्दबाजी में आप लोग गलत करते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है कि किसी कस्बे में जो जनसंख्या है, यानी किसी गांव का जो जनसंख्या है, वह दे रखा है 8568, ठीक है। इस जनसंख्या में पुरुष भी शामिल है, ठीक है, और महिला भी शामिल है, क्योंकि जनसंख्या में टोटल लोग रहते हैं, तो पुरुष और महिला दोनों मिलके कितना है 8568, यानी ये गांव की जनसंख्या है, ठीक है। गांव की जनसंख्या 8568 है, और उस गांव में केवल अगर पुरुष की बात कीजिएगा तो केवल पुरुष जो हैं उस गांव में 5312 हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि उस गांव में केवल महिला कितनी है, ठीक है। अगर उस गांव में पुरुष और महिला दोनों मिलके 8568 है और केवल पुरुष 5312 हैं, तो महिला केवल कितनी होंगी, ये आपको बताना है पोल सेक्शन में, ठीक है। आराम से जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्वेश्चन समझ गए होंगे, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड है। टेन नाइन एट सेवेन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। जब पुरुष और महिला का टोटल जनसंख्या कितना है 8568 और केवल पुरुष 5312 है, तो अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि केवल महिला कितनी होंगी। तो 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 5 गया 3, यानी 3256 जो है केवल क्या होंगी, महिला होगी 3256।
56। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3256। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है। कोई एक फैक्ट्री है जहां पे बल्ब का उत्पादन होता है, वो जो फैक्ट्री है एक महीने में चार हजार 532 बल्ब का निर्माण करती है, उत्पादन करती है। तो पूछा गया है कि इसका वार्षिक उत्पादन कितना है, यानी वो एक साल में कितना बल्ब बनाएगी। एक साल का मतलब है कि 12 महीना में कितना बल्ब बनाएगी। तो अगर वो एक महीना में 4532 बल्ब बनाती है तो 12 महीने में कितना बल्ब बनाएगी, यही आपको बताना है। जैसे आपका एक प्रश्न था, एक टोकरी में 350 आम थे, तो आपने 11 टोकरी में निकाला था कि कितने आम होंगे। कुछ इसी प्रकार ये भी बनेगा कि एक महीने में 4532 बल्ब बनता है तो 12 महीने में कितने बल्ब बनेंगे। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिएगा, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पोल दूंगा आपको 10 सेकेंड के बाद। कितने सेकेंड के बाद? 10 सेकेंड के बाद पोल दूंगा। तो आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, जब सॉल्व हो जाएगा तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जैसे सेब वाला किए थे आम वाला, वैसे ये भी होगा। गुना करेंगे इसमें, ठीक है? क्या करेंगे? गुना करेंगे 12 से, तो आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए जल्दबाजी में दो बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है। जल्दबाजी नहीं करना है आपको, जितना समय चाहिए उतना समय मैं दूंगा। इस प्रश्न को हल करने में जितना समय लगेगा उतना समय मैं दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए तीन बच्चों का उत्तर गलत हो गया, सिर्फ तुक्का मारने के चक्कर में बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, सिर्फ तुक्का मारने के चक्कर में। और 20 सेकेंड, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। देखिए तीन बच्चों का आंसर गलत है सिर्फ तुक्का मारने के कारण। एक महीने में अगर 4532 बल्ब बनता है तो 12 महीने में कितना बनेगा, तो हम इसमें 12 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। गुना कीजिए सभी बच्चे, देखिए दो दो नहीं चार, दो तीन छह, दो पच्चे दस का जीरो, हाथ मचा एक, दो आठ चौका आठ और एक नौ, एक से गुना करेंगे तो यहाँ पे दो तीन पांच और चार, ऐसे जोड़ देंगे अब आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा चार, यहाँ पे आएगा आठ, यहाँ पे आएगा तीन, यहाँ पे आएगा चार और यहाँ पे आएगा पांच। टोटल आंसर कितना हो गया? 54384, 54384। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया कि अगर एक महीने में 4532 बल्ब बनता है तो 12 महीने में 54384 बल्ब बनेगा। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए।
चलिए क्लियर है, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिएगा। एक स्कूल है और उसमें टोटल जो है 20 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 20 कमरे हैं, ठीक है, टोटल 20 कमरे हैं। और वहां पे छात्र कितने हैं टोटल? तो टोटल छात्र हैं 4340 छात्र हैं। तो आपको बताना है कि एक कमरे में कितने छात्र होंगे। जैसे आपने एक प्रश्न किया था कि 12 बच्चे हैं और 480 टॉफियां हैं, तो एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा। तो कुछ इसी प्रकार का ये भी प्रश्न है कि 20 कमरे हैं, तो वहां पे 12 बच्चे थे, यहाँ पे 20 कमरे हैं, वहां पे 480 टॉफियां थी, यहाँ पे 4340 छात्र हैं। तो जैसे वहां पे आपने एक बच्चे का टॉफी निकाला था, तो आपको यहाँ पे बताना है कि एक कमरे में कितने छात्र होंगे। काम वही करेंगे जो टॉफी में किए थे। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और इसे हल करेंगे, ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, मैंने अभी तक पोल नहीं दिया है। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, अब मैं पोल दूंगा 20 सेकंड के बाद, तो उसमें आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, सॉल्व कीजिए कॉपी पे, जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिए। जब सॉल्व हो जाएगा तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है, जब सॉल्व हो जाएगा तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। ये अनावश्यक दो हाथ का बटन दबा रहे हैं, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, तो अनावश्यक हाथ का बटन नहीं दबाना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दो बच्चों के उत्तर गलत है और दो बच्चों ने ऑप्शन ए को आंसर किया जो कि पूर्णतः गलत है। हम क्या करेंगे, 20 से भाग लगाएंगे 4340 में, तो पहले जाएगा दो बार में 20 दूनी 40, यहां आएगा 3, 1 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 4, अब जाएगा एक बार में 20 से कम 20, यहां आ गया 4 और यहां आ गया 1, ऊपर से आएगा 0, अब जाएगा 7 बार में 140 और ये जो है कट गया। तो आंसर कितना हो गया, एक कमरे में 217 बच्चे होंगे, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिएगा। चलिए सभी बच्चों के सही है, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 270। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर, पूर्णांकों पे संक्रियाएं। पहली बात की पूर्णांक होता क्या है, ध्यान से देखिए पूर्णांक क्या होता है। मैंने आप लोग को पूर्णांक बताया था पिछली क्लास में, क्या बताया था कि जब पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं, जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, डैश 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 डैश, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। जब इसी पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याओं को यानी नेगेटिव संख्याओं को यानी कि जीरो से छोटी संख्या यानी कि माइनस वन, माइनस टू, माइनस तीन, माइनस चार जैसी संख्याओं को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है पूर्णांक। ठीक है, अब आप कहेंगे पांच के बाद अगली पूर्णांक कौन सी होंगी, तो इसमें प्लस वन करते जाइए अगली पूर्णांक निकल जाएगा। छह हो गया, छह में प्लस वन कीजिए अगली पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, सात, सात में अगला पूर्णांक निकलना है तो प्लस वन कर दीजिए आठ, तो प्लस वन करते जाइए इधर अगला पूर्णांक निकलते जाएगा, इधर में माइनस वन ऐड करते जाइए अगला पूर्णांक निकलते जाएगा। जैसे माइनस चार में माइनस एक जोड़िएगा तो कितना आएगा, माइनस पांच, माइनस पांच में माइनस एक जोड़िएगा तो माइनस छह, तो ये दोनों आगे बढ़ते चला जाएगा, तो इसी को कहते हैं पूर्णांक। क्लियर है सभी बच्चों को, यानी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, देखिए बीच में यहाँ पे जीरो भी क्या है, पूर्णांक है। क्लियर है सभी बच्चों को, वाई टाइप कीजिए पूर्णांक क्या होता है, सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब इन पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं यही हमें अभी समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्णांकों को गुणा करना समझते हैं कि कैसे पूर्णांकों को गुणा करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे 12 है तो ये किसमें है, प्लस में है, और ये 4 है ये भी किसमें है, प्लस में है, तो दोनों जब प्लस में है तो गुणा होगा तो प्लस ही आएगा। अब 12 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48, तो ये हो गया प्लस 48। अब ये माइनस है और माइनस में गुणा होगा माइनस है तो प्लस बन जाता है। अब 12 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48। यानी यहां से एक बात समझ में आई कि दोनों समान चिन्ह, यानी दोनों प्लस में है तो प्लस आ रहा है, दोनों माइनस में है तो प्लस आ रहा है, यानी कि दोनों का अगर चिन्ह समान है तो प्लस आएगा। यानी यहां से क्या सीखे कि प्लस में गुणा होगा अगर प्लस से तो क्या आएगा, प्लस आएगा, अब माइनस में गुणा होगा अगर माइनस से तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखिए दो असमान चिन्ह, यानी पहला माइनस में है और दूसरा प्लस में है, गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, 12 चौका 48, पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है, गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस 48। यानी कि दोनों का अलग अलग चिन्ह होगा तो गुणा करने पे क्या आता है, माइनस आता है। यानी पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो या पहला प्लस में हो दूसरा माइनस हो, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या आता है, प्लस आता है। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया, हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये बातें समझ में आई हो। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, क्लियर है ना सभी बच्चों को, वेरी गुड। देखिए तो ये 48 आया, ये भी 48 आया, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे प्लस होता है, ये माइनस 48 ये माइनस 48, तो यहाँ पे मैंने बताया प्लस में गुना होगा प्लस से तो प्लस आएगा, माइनस में गुना होगा माइनस से तो प्लस आएगा। अब माइनस में गुना हो प्लस से या प्लस में गुना हो माइनस से, दोनों ही कंडीशन में माइनस आता है। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। क्लियर है ना, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखिए अब जैसे ये प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर वन यहां पे लिखता हूं, माइनस दो में गुणा करना है, माइनस तीन से गुणा करना है, माइनस पांच है, तो जो आपने सीखा है वही करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे। तो बताइए माइनस दो में माइनस तीन से गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस छह। अब इसमें गुणा करेंगे हम माइनस पांच से,
तो एक प्लस में है एक माइनस में, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और छह में पांच से गुणा करेंगे तो क्या आएगा तीस, तो आंसर कितना आ गया माइनस तीस, यानी इसका आंसर आएगा माइनस तीस। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, प्रश्न संख्या दो को माइनस, ये प्रश्न संख्या दो माइनस एक में गुणा करना है माइनस आठ से, फिर गुणा करना है तीन में चार से। देखिएगा सॉल्व करते हैं तो माइनस एक से गुणा करेंगे माइनस आठ में से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक में आठ से गुणा करेंगे तो आठ हो जाएगा, ये हो गया आठ गुणा, तीन भी प्लस में है चार भी प्लस में, गुणा होगा तो प्लस ही आएगा, तो चार तीन कितना हो जाएगा बारह, और ये प्लस ही रहेगा तो ये प्लस बारह हो गया। अब दोनों ही प्लस में है, गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा प्लस में, बारह अठे छियानवे, इसका आंसर कितना हो गया 96। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलो वेरी गुड, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को आंसर करना है, जैसे माइनस नौ में गुणा करना हो आठ से तो क्या आएगा आंसर बताइए चार सेक्शन में। नौ अठे बहत्तर, माइनस है तो माइनस लगेगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, और आप लोगों को बताया हूं कि माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा माइनस, इसलिए यहां पे आंसर क्या आएगा माइनस बहत्तर। और एक क्वेश्चन कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं माइनस बारह गुणा करना हो अगर आपको नौ से तो क्या आएगा आंसर बताइए सभी बच्चे। देखिए मनीष 107 लिखे है, बारह नवा 108 होता है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, अब बारह में नौ से गुणा करेंगे तो 108, माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या होगा माइनस 108। एक प्रश्न और कीजिए, 15 में गुणा करना है आपको माइनस 6 से, बताइए आंसर क्या होगा सभी बच्चे। आंसर क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो प्लस में गुणा होगा माइनस है तो माइनस आएगा, 15 में 6 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा, तो आंसर क्या होगा माइनस 90। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, इसका आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन अभी करवाया था। यस सर, सेम ही क्वेश्चन। ठीक है आराम से कीजिए, कोई बात है, कोई बात नहीं, अब सेम हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। देखिए इसमें भी दो बच्चों का आंसर गलत हो गया, अब आप ही लोग बताइए अगर मैंने सेम सर गलती से हो गया, किस बात की जल्दबाजी, किस बात की जल्दबाजी, माइक ऑन करके नहीं बोलना है ठीक है, हर बार कहता हूं कि जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना है, गलत करके इसके बाद कहते हैं जल्दी में दब गया, किस बात की जल्दी है आराम से कीजिए ना, जल्दबाजी किस बात की है, सबूत आप लोग के सामने है कि जल्दबाजी में गलत होता है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, कहां है ये रहा क्वेश्चन नंबर दो, देखिए माइनस बारह में अगर गुणा करेंगे नौ से तो क्या आएगा माइनस 108 आएगा, तो यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन था, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, तो ये सेम टू सेम कराया गया क्वेश्चन
एक बच्चे ने उत्तर नहीं किया, एक दो बच्चों ने गलत आंसर किया, बताइए आप लोग खुद सोचिए किसमें क्या ही कर सकते हैं हम। देखिए जितेंद्र नाम से जो बच्चा है 108 आंसर किया, जबकि बता चुका हूं कि -108 होगा। ये वही दो बच्चे हैं जो कि बार बार आंसर गलत करते हैं, ऐसा नहीं कीजिए आप। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? -108। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए सोचिए -3 में गुणा करना है -2 के साथ और फिर गुणा करना है -4 को -5 के साथ, तो क्या करेंगे? देखिए ध्यान से समझिए क्या करेंगे। पहले तो हमें इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में, अब जो बचेगा इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यानी ये हो गया +6, बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 में अगर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120। क्लियर है सभी बच्चों को? आज दोनों प्लस में तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा चैट सेक्शन में सभी बच्चे। चैट सेक्शन में सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए एक बच्चा 65 आंसर किया है, मुस्कान ने 65 आंसर किया है, मतलब गुना भी ढंग से नहीं करते हैं, सिर्फ जल्दबाजी में गलत करते हैं। मुस्कान आपने गुना सही किया है? जल्दबाजी में ही गलत होता है, आप लोग को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कितनी बार सिखाया हूं कि जल्दबाजी नहीं करना, आराम से कीजिए। किस बात की जल्दबाजी है? आराम से कीजिए। देखिए पहले इन दोनों को गुणा करेंगे फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? +12। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। अब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5। अब इस +12 में +5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस। अब 12 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। देखिए -7 में गुणा करना है आपको -5 से, फिर गुणा करना है -2 से और फिर गुणा करना है -1 से। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए मैं आप लोग को हेल्प भी कर देता हूं, पहले इन दोनों को गुणा कीजिएगा फिर इन दोनों को गुणा कीजिएगा, जो आएगा इन दोनों को फाइनल यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, तो आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। पोल सेक्शन में आपको 20 सेकंड के बाद दूंगा, सभी बच्चे पहले आराम से सॉल्व कर लीजिए कॉपी पे, फिर मैं पोल दूंगा। जल्दबाजी में आप लोग गलत कर देते हैं, तो दोबारा चेक कर लिया कीजिए। एक बार जब आपका जल्दी से आंसर आ जाता है तो दोबारा से उसे चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि पोल में गलत करने के बाद सुधारने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए कॉपी पे दोबारा चेक कर लिया कीजिए कि क्या सब सही है, फिर पोल में आंसर कीजिए। अगले सप्ताह से आप लोगों का मैंने बताया था ना कि 3 टॉपर बताया जाएगा, पिछले सप्ताह में कौन टॉप किया है
हर सप्ताह वे ऐसा निकलेगा, तो अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए सही से सही उत्तर करने का, ठीक है। अगले सप्ताह से हर सप्ताह का तीन टॉपर बताए जाएंगे और तीन पीछे वाले बच्चों को भी बताया जाएगा कि तीन कौन से वो बच्चे हैं जिनका सबसे कम मार्क्स रहता है। तो मैं कहूंगा कि आप लोग पीछे वाले में अपना नाम ना लेके आए, सभी बच्चों का सब सही हो, सबका टॉप थ्री में आए। मैं यही कोशिश करता हूँ कि सबका सही हो, ठीक है। तो तीन ही बच्चों को आएगा, ऐसा क्यों है? अगर सबका सही रहेगा तो सब फर्स्ट रैंक पे रहेंगे, अगर सबका सही हो जाएगा तो सबके सब फर्स्ट रैंक पे रहेंगे, ठीक है सर। तो आदत लगानी होती है ना कि हमें कोई भी चीज, अब जिसे क्या होता है ना, जिन बच्चों को आता है ना तो वो जल्दी जल्दी करते हैं और जल्दी जल्दी में ही गलत हो जाता है। अब मैं समय देता हूँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं है कि क्वेश्चन का जितना समय चाहिए उससे कम। देखिए एक बच्चे ने गलत कर दिया, मतलब क्या है, सिर्फ जल्दबाजी है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसी का अगर मुझे रैंक जारी करना होगा तो उसमें एक बच्चा है जो सबसे लास्ट में है, जिसने गलत आंसर किया है। क्या आंसर किया है? ऑप्शन बी को, और बाकी सबका सही है ऑप्शन ए को। तो बाकी सब एक नंबर पे हैं और एक बच्चा जो सबसे लास्ट पे है, केवल जल्दबाजी के वजह से। देखिए -7 में -5 से गुणा करेंगे तो +35 हो जाएगा, ठीक है। -2 में -1 से गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा, आप +35 में +2 से गुणा करेंगे तो +70 हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 70। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जिस बच्चे का गलत हुआ था बताइए माइक ऑन करके, क्यों गलत हुआ था? जिस बच्चे का गलत आंसर था माइक ऑन करके बताइए क्यों गलत था? बताएंगे भी नहीं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार आ जाए, ध्यान से देखिएगा, -3 गुणा करना है -4 से और फिर गुणा करना है -8 से, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, पहले दो गो को गुणा कर देंगे आपस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये +12 हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे कितना से, -8 से, बताइए एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस होगा 12×8=96, तो आंसर कितना होगा, -96। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा चैट सेक्शन में। चलिए इसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में। वेरी गुड, देखिए जितेंद्र का आंसर गलत है, केवल जल्दबाजी में जितेंद्र का आंसर गलत है, और किसका नाम है, मनीष, मनीष का आंसर गलत है। देखिए ये वही बच्चे हैं जो जल्दबाजी में उत्तर करते हैं, मनीष का, जितेंद्र का, दो लोगों का आंसर गलत है। बताइए मनीष और जितेंद्र किस बात की जल्दी है, मनीष और जितेंद्र बताइए क्यों गलत है? जितेंद्र आप बताइए जी, क्यों गलत है? 00 दब रहा था इसलिए 9 दब गया, तो ये सिर्फ जल्दी की वजह से होता है। जल्दबाजी मत कीजिए, कितनी बार मैं बताया हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। जल्दबाजी में सिर्फ आप अपना नुकसान करते हैं। बताइए लास्ट में सबसे आंसर किए हैं मनीष, अभी आपने सही उत्तर किया है, क्या खराबी है? लास्ट में आंसर कीजिए लेकिन सही आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस सही होना चाहिए। लास्ट और फर्स्ट से कोई मतलब नहीं है, सही होना चाहिए, ठीक है। कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि हमने पहले बना दिया, हमने पहले बना दिया, मतलब है यहाँ पे किसने सही बनाया, बस।
देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले दो को गुणा करेंगे, तो माइनस में चार से माइनस पांच में गुणा होगा तो प्लस 20 हो जाएगा, और फिर इसमें गुणा होगा माइनस 10 से, तो एक प्लस में है एक माइनस में है तो माइनस, और 20 में 10 से गुणा करेंगे तो 200, आंसर क्या होगा माइनस 200। सभी बच्चों को क्लियर है, वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। माइनस 11 में गुणा करना है माइनस 5 से, इसमें गुणा करना है माइनस 3 से। मैं पूरे 2 मिनट का समय दिया हूं, सभी बच्चे आराम से पहले गुणा करेंगे फिर मैं पोल दूंगा, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए। तो पहले सॉल्व कीजिए, 30 सेकेंड के बाद पोल दूंगा। चलिए सभी बच्चे आराम से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से, अभी 1 मिनट का समय है, पूरे 1 मिनट का समय है, आराम से सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न को भी एक बच्चे ने गलत कर दिया, और सिर्फ जल्दबाजी में, मतलब कि गुना करने ही नहीं आया, एक बच्चे ने बी को आंसर किया है, बताइए गुना भी करने नहीं आया। माइनस 11 में माइनस 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, प्लस 15, प्लस 55, ठीक है? इसमें गुना करेंगे माइनस 3 से, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर होगा माइनस में, 55 में 3 से गुना करेंगे तो 165 आएगा, नहीं आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी माइनस 165। जिस बच्चे ने बी को आंसर किया है बताइए माइक ऑन करके, क्यों बी आंसर किए? एक बच्चे ने बी को आंसर किया है, बताइए कौन है? बताइए, बताते भी नहीं है। चलिए कोई नहीं, क्लास के बाद डेटा तो आ ही जाता है, मैं देख ही लूंगा आखिर कौन सा बच्चा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी माइनस 165। आप सोचिए अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार का आ जाता है, माइनस 3 गुणे माइनस 4, और फिर गुणा करना है माइनस 5, और इसमें गुणा करना है केवल 6 से, कैसे करेंगे? देखिए सेम टू सेम नियम अपनाएंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12, ये हो गया प्लस 12। अब गुणा करेंगे, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो गुणा करने पे माइनस आएगा, और 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, तो ये हो गया माइनस 30। अब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो 12 में अगर 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360। क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आया सभी बच्चों को कैसे करते हैं? कुछ भी आ जाए अगर नियम आप लोग जान गए तो
तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो एक प्रश्न का आंसर कर दीजिए सभी बच्चे। माइनस तीन में गुणा करना है दो से, और फिर गुणा करना है माइनस चार में माइनस पांच से। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी। पहले इन दोनों को कीजिए, फिर इन दोनों को गुणा कीजिए, जो आंसर आएगा यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। बताइए चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस सिक्स हो गया, यहाँ पे माइनस यहाँ भी माइनस, गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, अब पांच चौका बीस, ये कितना हो गया प्लस ट्वेंटी। अब एक माइनस में है एक प्लस में है, गुणा होगा तो माइनस आएगा, अब बीस में छह से गुणा होगा तो कितना होगा एक सौ बीस, तो आंसर कितना आ गया माइनस एक सौ बीस, जो कि सभी बच्चों का एकदम सही है। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास से कुछ भी